जय माता दी। प्रिय मित्रों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया विषय लेकर आया हूँ। आज मैं बताऊंगा कि नवरात्रों के 9 दिनों के अंदर हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे माता रानी की कृपा हम पर ना रहे, या भूल कर भी कोई गलतियाँ हमसे ना हो जिससे हमें बार बार कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रों के दिनों में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान देखने को आगे मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आइकन बेल का बटन जरूर दबाएं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि नवरात्रों के 9 दिनों में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य होता है कि अगर आप अखंड जोत जला रहे हो, माता पर डेली हार फूलों का या फूल चढ़ा रहे हो, तो उस फूलों को इकट्ठा कर आपने एक लिफाफे में हर रोज़ रखना है, क्योंकि फूल और प्रसाद माता के लिए आपने हर रोज़ नया लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि आप पुराने वहाँ पर पड़े रहने दीजिए और नए आप चढ़ाते जाइए, ऐसा करने से भी माता रानी कभी खुश नहीं रहेगी। दूसरा होता है कि हमें बाल अपने नए कटवाने चाहिए, अगर बाल कटवाओगे तो आपके घर में कभी भी खुशी नहीं आएगी। तीसरा कारण होता है कि प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए, हमें नवरात्रों के 9 दिनों में प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में अगर किसी ने ड्रिंक किया या नॉन वेज खाता है तो वो घर के अंदर प्रवेश ना करे अगर आपके घर में अखंड ज्योत माता के व्रत आपने रखे हुए हैं। ब्रह्मचारी का पूरा पालन करना चाहिए, ऐसा करने से भी माता रानी हम पर बहुत ही प्रसन्न रहती है, जिससे हमारे जो भी रुकावटें चल रही है या हमारे घर में कोई परेशानी आ रही है तो वो माता रानी ठीक कर देगी। आगे जो होता है कि अगर आप माता रानी का कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, आपने एक ही समय पर एक आसन पर बैठकर उसे करना है, लाल आसन पर, और उसी आसन को आपको लपेट कर साइड में रख देना है। उसी आसन पे आपने हर रोज़ बैठकर ही पाठ करना है और टाइम आपका एक ही होना चाहिए। अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में माता रानी का पाठ कर रहे हैं तो आपको हर रोज़ सुबह 7 से 8 के बीच में ही पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी रूटीन भी बनी रहेगी और सही समय पर पाठ भी होता रहेगा। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि माता रानी के 9 दिनों में जैसे कि हम सोच सकते हैं कि माता की पूजा आप कर रहे हैं, तो पूजा आराधना में आप हर रोज़ अपने मन और श्रद्धा भावना से अगर आप पाठ करेंगे तो आपको माता की सभी शक्तियाँ, माता की असीम शक्तियाँ आपके परिवार के ऊपर असर दिखाएंगी, जिससे आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहती, आपके घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आपने जो भी पाठ करें, जो भी नियम बनाएं, वो नवरात्रों के 9 दिनों में आप पूरी श्रद्धा भावना से, अगर माता रानी की कृपा पानी है तो दिल से और श्रद्धा भावना से ही पूजा करें। बिना श्रद्धा भावना से पूजा करने से कभी भी कोई अच्छा फल हमें नहीं मिलता। जय माता दी।